Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मुझसे तो तेरी ये हालत देखी नहीं जा रही, दिल फट रहा है मेरा। नहीं, इतनी आसानी से मैं उन्हें नहीं छोड़ू। मेरी जिंदगी बर्बाद करके मुझे इस हाल में पहुंचाकर वो दोनों सुकून की जिंदगी से नहीं रह सकते। Happy birthday. और कोई मेहमान नहीं आया अभी तक? मेरा मेहमान मेरे सामने खड़ा है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मेरा मतलब कि इस महफिल के मेहमान सिर्फ और सिर्फ आप हैं, और ये महफिल खास आपके लिए सजाई गई है। कैसी लग रही हूँ मैं, और कैसा लग रहा है अरेंजमेंट? ये लाइट्स, ये केक, ये खास एहतमाम आपके लिए किया है। वो सब तो ठीक है आनिया, लेकिन तुम्हें यहाँ मुझे अकेले नहीं बुलाना चाहिए था। तो फिर क्या करती आतिर? लोगों की भीड़ इकट्ठा करती। आतिर, मैं जिंदगी के जिस तकलीफदा लम्हों से गुजर रही हूँ उसमें लोगों की भीड़ अजियत देती है। मामा पापा भी नहीं है, और आप जैसा पुरखुलूस कोई दोस्त भी नहीं है जिसे मैं इनवाइट कर सकती। बता सकती कि मेरी बर्थडे है, ये लम्हे शेयर कर सकती। बर्थडे तो खास लोगों के साथ मनाई जाती है ना आतिर, कोई ऐसा जो अपना अपना लगे। आनिया, मेरा ख्याल है मुझे यहाँ से चलना चाहिए। तुम शायद भूल रही हो, तुम एक लड़की हो, और तुम्हारा मेरे साथ यूं अकेले वक्त गुजारना मुनासिब नहीं। आतिर प्लीज। अब आ ही गए तो थोड़ी देर रुक जाएं, केक तो कटवा लें प्लीज, एक दोस्त समझ कर। उसका अकेलापन दूर करने के लिए उस्मान को कॉल करती हूँ। जी तंजीला भाभी, खैरियत? उस्मान आते अभी तक घर नहीं आए, कह रहे थे कोई अर्जेंट मीटिंग है। अब तो उनका नंबर भी ऑफ जा रहा है, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। लगता है आते ने तंजीला भाभी को आनिया की बर्थडे के बारे में नहीं बताया। क्या करूं, अब क्या बताऊं उन्हें? उस्मान? हाँ जी जी भाभी, वो हाँ मीटिंग थी उसकी, बड़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। किसी फॉरेन कंट्री के जो क्लाइंट है उससे मीटिंग थी। तुम्हारा दिन होगा ना, तो पता नहीं चला होगा बात करते करते, इसलिए टाइम लग गया होगा।
मैं पता करता हूँ, आप परेशान नहीं हो, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? जी प्लीज। भाभी हमार तुम? जी मैं। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, आपकी जान को कुछ नहीं होने दूंगा मैं। तुम इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? वो जारा ने बताया कि आतिर अभी तक घर नहीं आया, तो मैंने सोचा आपसे जाके मिल लूं। अब देखे ना, आतिर इतना अमीर है, इतना हैंडसम है, चला गया होगा किसी मीटिंग में। क्या बोले जा रहे हो मार? मैं आतिर का इंतजार कर रही थी। चलें तो ठीक है, दोनों मिलके इंतजार करते हैं, कुछ बातें करते हैं। ये क्या बदतमीजी अमान, जाओ यहां से। अरे ये क्या, आप मुझे अपना दोस्त और अपना हमदर्द नहीं समझती क्या? आप जानती नहीं है मुझे कितनी फिक्र रहती है आपकी। आप इतनी खूबसूरत हैं और आतिर को देखिए जरा, इतनी देर देर से आता रहता हूं। अगर आप मेरी बीवी होती तो यकीन मानिए एक भी मिनट के लिए आपको छोड़ता नहीं। बहुत हो गया मां, जाओ यहां से, जाओ। अरे आप तो बिला वजह गुस्सा कर गई, चला जाता हूं। लेकिन एक बात याद रखिए, आपका सच्चा हमदर्द हूं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, मुझे लगता है मुझे अब चलना चाहिए। आतिर प्लीज, जब इतनी देर रुक गए तो थोड़ी देर और ही सही। मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। आनिया जस्ट अ सेकंड। बस मैं ड्रिंक्स लेकर आती हूँ। क्या जरूरत है आनिया? प्लीज Thank you.
अच्छा मुझे अब चलना चाहिए। तंजीला मेरा इंतजार कर रही होगी। आतिर आप बैठ जाएं। मुझे नहीं नहीं मुझे घर जाना ना प्लीज। घर जाना। आतिर आतिर आपकी कॉफी तैयार है, आप फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए नाश्ता बना के लेके आती हूँ। ये सब क्या है? मैं यहाँ? ये तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि एकदम से आपकी तबीयत खराब हो गई और आप बेहोश हो गए, और फिर नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है? आतिर आप कहाँ जा रहे हैं? सुबह के 7 बज गए हैं, सारी रात यहाँ तंजीला मेरा इंतजार कर रही होगी। आतिर आप नाश्ता तो करके जाए ना। अन्नी मुझे हुआ क्या था? मैं कैसे बेहोश हो गया? तुम्हें डॉक्टर को बुलाना चाहिए था ना? मैं डॉक्टर को बुलाने लगी थी मगर आपने मना कर दिया। मैंने मना कर दिया? मैं तो बेहोश था, मैं कैसे मना कर सकता हूँ? ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही थी, आप बेहोश थे लेकिन फिर भी बोल रहे थे। आतिर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि एकदम से आपकी तबीयत खराब हो गई और आप बेहोश हो गए, और फिर आतिर का कोट।
ये खुशबू मैं कैसे भूल सकती हूँ। दिल तो चाहता है इसे हमेशा हमेशा के लिए अपने पास कैद कर इस कोट की शक्ल में, लेकिन क्या करूं, उस तंजीला को भी तो भिजवाना है। तोहफा, लेकिन ऐसे नहीं, मेरी ये खुशबू तंजीला की जिंदगी को इतना बदबूदार बना देगी कि उसका सांस लेना महाल हो जाएगा। कहां थे सारी रात? जानते मैं कितना फिक्रमंद हो रही थी, कितनी कॉल्स की मैंने आपको, आपका नंबर भी उठा रहा था। क्या हुआ आते? आप मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे? सब ठीक तो है ना? तंजीला जरूरी है मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूं। मत किया करो मेरी इतनी फिक्र। बख्श तो मुझे प्लीज।